दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम ऑयल में हम इसे आज रेडी करेंगे। ये है मटर और पनीर की सब्ज़ी। ये जो ग्रीन मटर आता है वो नहीं है, यह है जो छोले वाला मटर है वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। वेलकम बैक टू माई चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए पहले ले ली हूँ मटर को, पहले से ही मैं भिगा ली थी रात भर के लिए। मटर देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देखिए थोड़ा सा नमक डाली हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर खाने वाला सोडा डाली हूँ, इससे मटर बहुत ही बढ़िया से गल जाता है। यहाँ पर आलू डाल दी हूँ, मैं आलू के साथ बनाऊँगी। आप अगर आलू के साथ बनाना नहीं चाहते हो, चाट वगैरह बना के खाना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पर आलू मत डालिएगा, बस उसी में बना के आप चाट भी खा सकते हो। मैं आपको लास्ट में बताऊँ कैसे बनाना है। तो मैं मटर को बेटा ली हूँ, 4 से 5 सीटी आने के लिए यहाँ पर इसे छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं पनीर दिखा रही हूँ, ये मेरा दूध फट गया था तो मैं इसे पनीर बना ली थी। तो ये गाय का दूध है, इस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार येलो कलर। तो यहाँ पर देखिए मटर हमने सीटी दे दिया है, 4 से 5 सीटी मैंने दिया है। ये अच्छे से देखिए हो गया है, अब थोड़ा सा होगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से तो हो गया था, देखिए अच्छे से मैश हो रहा है और यहाँ पर आलू भी अच्छे से पक गया है। अब क्या करेंगे, अब हम आलूओं को निकाल लेंगे एक एक करके और मटर को अच्छे से थोड़ा सा दबा दबा के थोड़ा सा मैश कर लेंगे। जितना हो पाएगा उतना ही मैश कीजिएगा, पूरा मैश मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार मटर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा दबा के इसे मैश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मटर अच्छे से हो गया है मैश। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल थोड़ा सा दे दी हूँ तेल। यहाँ पर देखिए मैं प्याज को अच्छे से कट करके ले ली हूँ पतले पतले साइजेस में। 2 प्याज ली हूँ और 1 टमाटर ली हूँ, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, मैं थोड़ा सा जीरा और कुछ खड़े मसाले डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ ये 1 तेज़पत्ता और प्याज को डालती हूँ। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज देखिए यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गया था, इससे ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा नहीं तो जल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं टमाटर को डालती हूँ, टमाटर को डाल के यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को थोड़ी देर पकने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर में थोड़ा सा नमक। और यहाँ पर सारे में सूखे मसाले भी डाल दूँगी जो भी हमें ज़रूरत है, थोड़ा सा जीरे पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची। और लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला। सारी चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ मैं। यहाँ पर मैं लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची का ही यूज़ की हूँ क्योंकि ये तीखा नहीं होता है। अगर आपको तीखा वाला चाहिए तो आप तीखा वाला भी डाल सकते हो। अब चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मसाला सारे जले ना, इसीलिए मैं यहाँ पर वही जो मटर का पानी था उसे थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देखिए मीट मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास मीट मसाला हो तो, नहीं तो आपके पसंद में आप जो भी मसाला ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर सकते हो। चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हो, मीट मसाला तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं मीट मसाला यहाँ पर डाली हूँ इसलिए। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए आलूओं को इस प्रकार जो हमने उबाल के रखा था उसे मैं इस प्रकार छिलका निकाल के कट कर ली हूँ। 1 आलू का 4 पीसेस कर दी हूँ। यहाँ पर सारे आलू को यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। अब क्या करेंगे, आलू को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ और आलू को थोड़ी देर यहाँ पर हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू और मसाला अच्छे से पक के रेडी हो गया था। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देखिए प्रेशर कुकर में वापस सारे मसाले और आलू को डाल दे रही हूँ। इसमें मटर है, आप पहले से ही यहाँ पर अच्छे से चलिए सारा चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मटर यहाँ पर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, पानी कम है इसमें। तो यहाँ पर मैं आधा कप से थोड़ा सा ऊपर देखिए पानी दे दी हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे पकने के लिए हमें और 1 सीटी लगा लेंगे। ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा, बस 1 ही सीटी लगा लीजिएगा तो मसाला और मटर अच्छे से अब्जर्व हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अच्छे से सारी चीज़ें अब मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए 1 सीटी आने के लिए इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 सीटी आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो पनीर को हमने रखा था ना, तो उसे हम चलिए फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर मैं पनीर को डाल रही हूँ देखिए तेल में अच्छे से फ्राई होने के लिए। एक तरफ अच्छे से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाता है। और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, मटर का सीटी मैंने निकाल लिया था, हो गया था। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च, तो बहुत ही बढ़िया कलर आता है सब्जी में। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, मटर और आलू को थोड़ा सा दबा देंगे और थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मटर जब अच्छे से इस प्रकार दबा के अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये सब्जी। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई कर ली थी, फ्राई देखिए पनीर हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पनीर को लेके डायरेक्ट हम सब्जी में ही डाल देंगे। ये देखिए ये तो घर का ही बनाया हुआ पनीर है, तो इसीलिए इस प्रकार टूट रहा है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। और यहाँ पर मैं सारे पनीर को इस प्रकार डालती हूँ छान के, और देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है ये। इसमें मैं ज़्यादा हिला नहीं रही हूँ, क्योंकि ये घर का पनीर है तो ये इसमें टूट के बिखर जाएगा, तो इसीलिए पनीर को ज़्यादा यहाँ पर मैं नहीं मिला रही हूँ। आपका अगर मार्केट का हो तो उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मैश कर ली हूँ और थोड़ी देर इसे ढक के रख दी थी 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा तेल ऊपर के आ गया है और बहुत ही बढ़िया कलर टेक्स्चर आ गया है। आप इसे इस प्रकार बनाइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, आपके फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार आप, अभी बारिश का सीजन आ गया है तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार चाट बना के इस प्रकार देखिए, इसमें थोड़ा सा बस प्याज डाल दीजिएगा और थोड़ा सा आपके पास चना वाला जो सेवा आता है उसमें डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया सा चाट आ जाता है। थोड़ा सा टमाटर सॉस भी डाल दीजिएगा। मैं इस प्रकार बना के बच्चों को देती हूँ, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।